आज मैं आंवले की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसमें ना तो आंवले को उबालने की ज़रूरत है ना ही काटने की। बहुत ही आसानी से ये फटाफट बनकर तैयार हो जाती है और इसको आप स्टोर करके सालों साल रख भी सकते हैं। तो चलिए फटाफट ये मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 250 ग्राम आंवला लिया है। तो आंवले को अच्छी तरह से धुलकर सारा पानी सुखा लीजिए। और ये देखिए एकदम बढ़िया ताजा आंवला है, तो इसको हमें ग्रेट करना है। इस तरह से मीडियम वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे सारे आंवले को। आंवला ग्रेट करने के बाद बीज को हटा देंगे। इसी तरह से बाकी का आंवला भी ग्रेट कर लेंगे। अब गैस पर पैन चढ़ाकर इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून देसी घी। घी मेल्ट हो जाए तब इसमें ये ग्रेट किया हुआ आंवला डाल देंगे। अब इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच सादा नमक। अच्छे से चला देंगे। नमक थोड़ा सा पहले ही डालेंगे जिससे आंवले का पानी निकल जाए और अच्छे से सूख जाए। अब इसको थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते हुए 5 मिनट के लिए पका लेंगे। तो जब तक आंवला भून रहा है तब तक मैंने यहाँ पर लिया है मिश्री, और ये धागे वाली मिश्री है। तो धागे वाली मिश्री थोड़ी ज़्यादा हेल्दी मानी जाती है। और इसी के साथ में मैंने थोड़ा सा गुड़ लिया है, 1 टुकड़ा गुड़। इसको मैं सिर्फ कलर के लिए डाल रही हूँ जिससे कलर बढ़िया आए। और आप चाहे तो इसमें पूरा गुड़ डाल सकते हैं या फिर पूरी मिश्री डाल सकते हैं। और दोनों नहीं डालना चाहते हैं तो इसके बजाय चीनी भी डाल सकते हैं। तो लगभग 250 ग्राम आंवला था, तो उसका बीज निकालने के बाद लगभग 200 ग्राम बचा हुआ होगा। तो 200 ग्राम आंवले के लिए मैंने 200 ग्राम करीब मिश्री लिया है और थोड़ा सा ये गुड़ है। तो जितना आंवला लेंगे उतना ही इसमें मीठा भी ऐड करेंगे। चाहे तो आप गुड़ ऐड कीजिए, चाहे मिश्री या फिर चीनी। तो मिश्री का धागा निकालकर मैं इसको छोटे टुकड़ों में तोड़ ले रही हूँ। तो 5 से 6 मिनट में ही हम देखेंगे आंवले का पानी सूख गया है। तो इस तरह से जब आंवले का पानी पहले सुखा लेंगे तो इसको ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आंवले का कसैलापन भी कम हो जाता है। अब इसमें ये मिश्री और गुड़ डाल देंगे। तो फ्लेम एकदम लो रखेंगे, फ्लेम मीडियम या हाई बिल्कुल नहीं करेंगे, लो फ्लेम रखेंगे जिससे अच्छे से ये पक जाए और पकने के साथ साथ मिश्री और गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो देखिए जैसे जैसे मिश्री और गुड़ मेल्ट हो रहा है तो ये थोड़ा गीला भी हो रहा है और गुड़ की वजह से कलर भी बढ़िया आ रहा है। तो चीनी और गुड़ सब अच्छे से मेल्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1/2 छोटा चम्मच सौंठ पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच काला नमक, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर और 1/2 टेबल स्पून देसी घी। तो देसी घी का स्वाद इसमें बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही डाली हूँ, पहले भी डाली हूँ और अभी भी। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, इससे इसका स्वाद भी बढ़ेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो अच्छे से ये सूख चुका है, मैंने इसको अच्छे से सुखा लिया है। और आप चाहे तो अगर आपको सुखाना नहीं है तो थोड़ा सा गीला भी रख सकते हैं। और सुखाने से ये फायदा है कि इसको हम करीब साल भर के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको साल भर के लिए स्टोर करके रखना है तो बस इसमें ड्राई फ्रूट्स मत डालिएगा, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स डालने से ये जल्दी खराब हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ही बनाई हूँ इसलिए जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो ड्राई फ्रूट्स डाल दी हूँ। तो बस इसको मैं इतना ही सुखा रही हूँ, अब फ्लेम कर दे रही हूँ बंद। तो ये बहुत बढ़िया आंवले का मुरब्बा या फिर आंवले की चटनी या फिर आंवले का छुंदा भी बोल सकते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो एक बार ये रेसिपी आप जरूर बनाइए। तो ये रेसिपी बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। आंवले की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ आंवला लिया है और इसको मैंने धुल के फिर यहाँ पे रखा है।
तो इसको पहले बॉयल करेंगे। मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया है और कढ़ाई में 1 से 1.5 गिलास पानी डाल दिया है, तो पानी में उबाल आने लगा है। अब इसके ऊपर एक जाली वाली थाली रख देंगे, या कुछ भी आप ले सकते हैं जिसमें छेद हो। अब इसमें ये आंवला डाल देंगे। गैस फ्लेम लो टू मीडियम पे करेंगे और इसको 7 से 8 मिनट तक पकने देंगे। 7 से 8 मिनट में ही आंवला सॉफ्ट हो जाता है, तो चेक कर लेंगे। आंवला देखने से लग रहा है कि सॉफ्ट हो गया है, तो एक बार इसको चेक करेंगे। देखिए क्रैक भी हो गया है हल्का सा, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। तो अब इसको निकाल लेंगे। अब इसका बीज अलग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से प्रेस करने पे देखिए अलग हो जा रहा है, तो बहुत आसानी से इसका बीज निकल जाएगा। इस तरह से मैंने आंवले का बीज निकाल लिया है, तो अब इसको मैश कर लेंगे। बहुत ज्यादा बारीक नहीं करेंगे, हल्का सा दरदरा जैसा होता है उस तरह से रखेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने बिल्कुल बारीक नहीं किया है, हल्का सा देखिए मोटा मोटा सा टुकड़ा आपको दिख रहा होगा, इसी तरह से होना चाहिए। तो अब एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई मैंने गैस पे चढ़ा दिया है, तो इसमें डाल देंगे 1.5 से 2 टेबल स्पून सरसों का तेल। तेल गरम होने पे डाल देंगे 2 चुटकी हींग और 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1/2 छोटा चम्मच मंगरेल, इसको कलौजी भी बोलते हैं, और 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन। तो देखिए सौंफ और मंगरेल अजवाइन सबका कलर चेंज हो गया है, सब चटक चुका है। तो इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच तीखा लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। सभी मसालों को तुरंत मिलाने के बाद इसमें ये आंवला डाल देंगे। अब अच्छी तरीके से मिलाने के बाद इसमें डाल देंगे नमक, 1/2 छोटा चम्मच से थोड़ा सा कम काला नमक डाल देंगे और 1/2 छोटा चम्मच से थोड़ा सा कम सादा नमक डाल देंगे। तो दोनों नमक हम डालेंगे इसलिए थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे और अच्छी तरीके से मिला देंगे। लो टू मीडियम गैस फ्लेम पे 2 मिनट तक इसको चलाते हुए भून लेंगे। इसको भूनते हुए 2 मिनट हो गया है। इसमें 250 ग्राम गुड़ डाल देंगे। गुड़ मैंने छोटे टुकड़े में तोड़ लिया है, आप गुड़ की मात्रा थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा भी कर सकते हैं अपनी पसंद के अनुसार। और लो गैस फ्लेम पे इसको थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते हुए गुड़ मेल्ट होने देंगे। अभी जब गुड़ मेल्ट होगा तो फिर ये गीला हो जाएगा। गुड़ देखिए मेल्ट होने लगा है और ये थोड़ा गीला भी होने लगा है। गैस फ्लेम लो ही रखेंगे, हाई नहीं करेंगे, नहीं तो फिर ये बहुत ज्यादा गाढ़ी हो जाएगी चटनी। और लो गैस फ्लेम पे धीरे धीरे पकने देंगे तो आंवला अच्छी तरीके से गल जाएगा और बहुत अच्छी चटनी बन के तैयार होगी। तो देखिए चटनी गाढ़ी हो गई है, तो गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको निकाल लेंगे। देखने में ही बहुत अच्छी चटनी लग रही है और खाने में तो और भी ज्यादा स्वादिष्ट है। इसमें पानी का यूज हम नहीं किए हैं, तो इसलिए इसको आप फ्रिज में अगर करके रखेंगे तो 6 महीने तक रख सकते हैं, और अगर फ्रिज के बाहर रखेंगे तो 1 से 2 महीने रख सकते हैं। इसको बच्चे भी बहुत मन से खाते हैं क्योंकि खट्टी मीठी होती है, तो सभी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है ये चटनी। तो दोस्तों आपको इसमें से कौन सी रेसिपी ज्यादा पसंद आई कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।